May I come in, sir? Yes, come in. Namaste, sir. Namaste. Miss Pooja Kumari, how are you? I'm fine, sir. Please sit down. Thank you, sir. Miss Pooja, please tell me something about yourself. Start from your name. Thank you, sir, for giving me this great opportunity to introduce myself. My name is Pooja Kumari. My father's name is Mr. Munna Kumar. My mother's name is Mrs. Tara Devi. I'm belong to Mirzapur. I have completed my high school in 2011 with 65% marks from J.C. Kanya Inter College. I passed my Inter College in 2013 with 74% marks from J.C. Kanya Inter College, Mirzapur. I had passed my graduation from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth in 2016. I had passed my BTC from PNP Prayagraj in 2018 with 88% marks. I am pursuing my MSc from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. My hobby is I am honest, hardworking, and self-confident. And that's it. Thank you, sir. Well, you are doing botany, yes, MSc sir. In botany. Yes, sir. Who is the father of botany? Theophrastus. And father of zoology? Aristotle. Or father of biology? Aristotle. Aristotle. Yes, sir. Okay. Do you know something about mutation? Yes, sir. Externally atmosphere की वजह से या फिर हमारे इंटरनली जो हमारे क्रोमोसोम्स या जीन्स हैं उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन आना जो पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी करे उसे हम म्यूटेशन कहते हैं. इस सिद्धांत को ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू. सो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसके थ्रू. ठीक है. एक सेल के अंदर कौन कौन से चीज़ें होती हैं? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, साइटोप्लाज्म होता है, और सर जो हमारी सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं होती वो. और गॉल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. वो दो टाइप से होता है, एक रफ होता है और एक स्मूथ फॉर्म में होता है. ब्लड के बारे में जानती हैं? यस सर. क्या है ब्लड? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जिस जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से बना होता है. ओके. मोनोसाइट्स क्या है? सर ये ब्लड का पार्ट, सर सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रहे. आई एम सॉरी. डब्ल्यूबीसी में होता है कि आरबीसी में होता है? सर डब्ल्यूबीसी में होता है. मोनोसाइट्स? यस सर. ल्यूकोसाइट्स क्या है? सॉरी सर थोड़ा कंफ्यूज. ब्लड कैंसर कैसे हो जाता है? सर जब हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है वो उसकी एक लिमिटेड है, वो कि वो 4000 से 11000 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो ब्लड कैंसर कॉज करती है. और कम हो जाए तब क्या दिक्कत आती है? सर ब्लड कम होने पे जैसे हमारे जो बॉडी होती है वो अदर जो भी डिजीजेस हैं उनसे इन्फेक्ट होने लगती है. एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन. आप एटीपी का बता रही हैं क्या? नहीं सर. एड्स पूछ रहा हूँ. ये सर सर मुझे थोड़ा कंफ्यूज. रिकॉल नहीं हो रहा है? कोई yes, बात नहीं है. इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. सॉरी. ग्रेगर जॉन मेंडल ने तीन नियम दिए थे. यस सर. डोमिनेंस का, सेग्रीगेशन का और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का. ठीक है. तो डोमिनेंस क्या है? सर जब जैसे हम अगर दो चीज़ों में क्रॉस ओवर कराते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ ज़्यादा
शो करती है और दूसरे जो बिहेवियर होता है उसको दबा देती है उसे के रिसेसिव को। ये पीआरटी के लिए जा रही हैं सर। यस सर। सामान्य बुद्धि के बालक की आईक्यू क्या होता है? सर 120 मतलब 90 to 120 के अप्रॉक्स। ये एक भूखी बिल्ली थी, उसको पिंजरे में बंद किया गया। यस सर। और उसके बाहर एक मरा हुआ चूहा रखा गया। यस सर। किसने किया था ये प्रयोग? सर थॉर्नडाइक ने। सर ये ट्रायल एंड एरर थियोरी थी थॉर्नडाइक की। सर उन्होंने इस थियोरी में ये बताया कि अगर हम बार बार जैसे हम कोई किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयास करते हैं, जैसे आपने बोला कि पिंजरे के बाहर चूहा था तो उसे भूख लगी थी तो उस चूहे को पाने के लिए प्रयास कर रही थी, सडनली उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है, तो एक दो बार जब प्रयास करती है तो वो चीज़ें वो बार बार प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद वो उसे आदत हो जाती है। तो हम किसी चीज़ को भी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे बिहेवियर में आ जाती है। स्किनर ने एक पुनर्वरण का सिद्धांत दिया। यस सर। क्या था ये? सर उन्होंने एक चूहे पे प्रयोग किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रयत्न करते हैं और उसका सकारात्मक अगर कोई परिणाम आता है तो हम उस प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं, लेकिन अगर वो नकारात्मक आ जाए तो हम उसे नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो उन्होंने इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियोरी बोलते हैं, जैसा हमें रिस्पॉन्स मिलता है हम उसके अकॉर्डिंग ही। हमारे देश के शिक्षा मंत्री का नाम क्या? माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। मिर्जापुर से रहने वाले। यस सर। मिर्जापुर का विभाजन कब हुआ? मिर्जापुर दो भागों में बट गया। सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रहे। आरबीआई का गवर्नर कौन है? श्री सर श्री शशिकांत दास जी, शक्तिकांत दास जी। सॉरी। आजकल मुद्रा स्फीति ऐसे करके पेपर वगैरह में आता रहता है, ये है क्या? सर जो हमारी मतलब लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, ये है क्या? सर जैसे जिस हिसाब से मतलब पब्लिक की डिमांड होती है, जो हमारा पैसा होता है उसकी भी वैल्यू उसी अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो लोग कह रहे हैं 100 रुपये की कोई औकात नहीं, इसका मतलब? सॉरी सर आई कैन। आप बाटनी से हैं? यस सर। बाटनी के जन्म? ठीक है। ओके पूजा कुमारी, प्लीज गिव मी अ डेमो ऑफ एनी क्लास ऑफ पीआरटी। ओके सर। और एनी सब्जेक्ट, व्हाट एवर यू लाइक मोस्ट। ओके सर। सॉरी। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मे आई कंसीडर दिस बोर्ड एज अ क्लास? या यू मे कंसीडर इट। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर गुड मॉर्निंग ही यूज कर सके, गुड इवनिंग। इंटरव्यू इज गोइंग ऑन। ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल फाइन, वेरी गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी व्हाट इज द डे टुडे। व्हाट इज द डे टुडे? फर्स्ट 23 अप्रैल। ओके 2023। ओके, व्हाट इज द डे टुडे? संडे। ओके, वी आर इन क्लास 4th एंड योर सेक्शन इज ए। ओके, एंड योर पीरियड इज फर्स्ट। And your
एंड ड्यूरेशन 30 मिनट्स. ओके, डोंट मेक श्योर योर सब्जेक्ट इज हिंदी. Your subtopic is Kavita. Okay. Total students. आपकी क्लास में पता है ना कितने बच्चे हैं? 30. Your present students are. Is 29. ओ, एक कहाँ चले गए भाई? चलिए वो जब आएंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे कि आज क्यों नहीं आए थे. ठीक है, चलिए. एंड योर टॉपिक. अच्छा बेटा ये बताइए, आज बाहर मौसम कैसा है? क्या क्या देखा आपने? क्या क्या देखा आपने? बर्ड्स देखी. ओके, अच्छा बर्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? चिड़िया. बिल्कुल सही, ऐसी होती है ना, दूर से तो ऐसे ही दिखती हैं. चलिए कोई नहीं. और क्या क्या देखा आप लोगों ने? ट्रीज. ओके, आपने पेड़ देखे, वेरी गुड. और राम बेटा आपने क्या देखा? बादल देखे. ओके, तो बादल कैसा होता है? ऐसे ना, और ढेर सारे बादल होते हैं ना. अच्छा किस किस रंग के आपने बादल देखे? हाँ लाल. किस किस रंग के होते हैं? लाल, काले और सफेद भी होते हैं. वेरी गुड बेटा. ठीक है, तो आज हम आपको पता है, आज हम लोग बहुत सारे बादलों के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे होते हैं. कभी कभी जानते हो बहुत सारे बादल ना बहुत हैप्पी हैप्पी से दिखते हैं, और कुछ बादल बहुत गुस्से में होते हैं, जानते हैं? तो आज हम लोग बात करेंगे कि कौन से बादल कैसे होते हैं. ठीक है, ठीक है. तो पहले मैम बोलेंगी और उसके बाद आप लोग कविता रिपीट करेंगे. आप लोग सब लोग अपनी टेबल चेयर पे खड़े हो जाइए, थोड़ा सा पीछे करके आराम से. फिर जैसे जैसे मैम करेंगी वैसे वैसे आपको भी रिपीट करना है. ओके, तो हमारा टॉपिक है मन के भोले भाले बादल. भाले बादल. ओके, तो चलिए जैसे जैसे मैम करेंगी वैसे वैसे आप लोग भी करेंगे. ठीक है, तो चलिए. झबर झबर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले. गुब्बारे कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे होते हैं ना, बड़े बड़े से. हाँ ठीक है, आप लोग मेले में से लाते हैं. ठीक है, तो झबर झबर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में. आसमान कहाँ होता है? ऊपर होता है ना. लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल. झूम झूम कर काले बादल. कुछ तो कुछ जोकर सी तोंद फुलाए. कुछ जोकर, जोकर कैसे होते हैं? उनकी रेड रेड चेरी बॉल्स होती है नोज पे, और उनकी कैप होती है ना, आपने देखी होगी, ऐसे कैप होती है. जोकर ऐसे कैप लगाते हैं अपने सर पे. ठीक है, और उनके नाक पे ऐसे चेरी बॉल्स होती हैं क्यूट क्यूट सी. ठीक है, तो कुछ जोकर सी तोंद फुलाए. कुछ हाथी से सूंड उठाए. कुछ परियों से कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले. कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले. कुछ परियों से पंख लगाए. आपस में टकराते रह रहे. आपस में टकराते शेरों से मतवाले बादल. कुछ तो लगते हैं तूफानी. कुछ तो लगते हैं तूफानी. कुछ रह रह करते शैतानी. कुछ अपने थैलों से. आप लोगों ने थैला देखो जिसमें मम्मी चॉकलेट लाती हैं ढेर सारे ना, और आप हैप्पी हैप्पी हो जाते. कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी. नहीं किसी की सुनते कुछ भी. आप लोग सुनते कैसे? कानों से ना,
बिल्कुल सही, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बाद, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रहे छत पर आ जाते हैं, रह रहे छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बनकर, कभी कभी जिद्दी बनकर, आप लोग जिद्दी, आप लोग शरारत करते हैं मम्मी के साथ, मुझे ये नहीं खाना, ऐसे कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लगाते, फिर भी लगता बड़े भले हैं, मन के भोले भाले बादल, मन के भोले भाले बादल। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। पूजा जी आप पढ़ा रही हैं? यस सर। और कुछ बच्चे पीछे सदानी कर रहे हैं? यस सर। और आपस में चुटकुले कर रहे हैं, बैठे हैं, सतानी कर रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे वो, आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो उन्हें जाकर उनसे बात करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर फिर अगर वो चीज़ें पॉजिटिव वे में हैं, अगर सकारात्मक हैं उनका मस्ती करना या उनसे कुछ मोरल निकलता है, मतलब कोई नैतिक शिक्षा मिलती है, तो हम सारे बच्चों के साथ मिलके तो उसे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ हम इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो जो कक्षा अध्यापिका होंगी या अध्यापक होंगे उनसे संपर्क करेंगे और उन बच्चों को भी समझाएंगे कि ऐसी शैतानियाँ वो ना करें। ठीक है, एक अध्यापक आपके साथ में हैं जो PRT में आपके साथ ही सिलेक्ट हुए। यस। और वो रह रह करके आपके तरफ कुछ इशारेबाजी करते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो आपको लाइक कर रहे हैं, कुछ प्रेम प्रस्ताव टाइप का भेजना चाह रहे हैं आपके पास, आप इस बात को महसूस करती हैं तो आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो हम उनसे इस बारे में बात करेंगे और उन्हें वार्न करेंगे इस चीज़ के लिए कि अगर उन्होंने ऐसी कोई भी हरकत की दोबारा तो हम हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट करेंगे। उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, वो खाली उनके एक्टिविटी हल्की फुल्की हैं, वो देख रहे हैं, देखने में आप तो सर उनसे पहले तो इस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर अनकंफर्टेबल हैं तो हम इस बारे में उनसे बात करना चाहेंगे। यस सर। नहीं मानते हैं तब क्या करेंगे? सर फिर अगर वो नहीं मानते हैं बात करने के बाद तो फिर मैं हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करूँगी इस चीज़ के लिए और उन्हें भी वार्न करूँगी। रिटर्न में इन्फॉर्म करेंगे कि मौके करेंगे? सर रिटर्न कंप्लेंट करूँगी। ठीक है, नाइस मीटिंग, मैं गुना प्लीज। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। सॉरी सर, मैं उस टाइम भूल गई। थैंक यू सर। ठीक। नमस्ते सर। नमस्ते।